कोरोना के नए स्ट्रेन से वैक्सीन के असर पर फर्क पड़ सकता है। कोरोना के नए स्ट्रेन से इंग्लैंड के साइंटिस्ट परेशान। अफ्रीका से आया नया स्ट्रेन वैक्सीन को बेअसर कर सकता है। दो नए म्यूटेशन E484K और K417N पर इसका असर नहीं होगा। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने कहा है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है साउथ अफ्रीका में मिला हुआ वेरिएंट। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है साउथ अफ्रीका में मिला नया वेरिएंट। ये दावा ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने किया है। मैनहैटकॉक के मुताबिक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और ये ब्रिटेन के नए कोरोना वेरिएंट की तुलना में कहीं अधिक बड़ी समस्या है, इसलिए हमने दक्षिण अफ्रीका से सभी उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया है। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका दोनों जगह कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, जिससे यहाँ कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रिटेन में 1.5 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि साउथ अफ्रीका में भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। फ्रांस भी नए स्ट्रेन की चपेट में है। फ्रांस में 10 नए केस मिलने के बाद हड़कंप मचा है। फ्रांस के हेल्थ डिपार्टमेंट को शक है कि ये कोरोना का नया स्ट्रेन हो सकता है। कोरोना के नए स्ट्रेन से टेंशन बढ़ती ही जा रही है। स्ट्रेन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में दहशत है, फ्रांस भी इसके चपेट में है। फ्रांस में 10 और ऐसे नए कोरोना केस मिले हैं जिन पर नए स्ट्रेन होने का संदेह जताया जा रहा है। फ्रांस हेल्थ डिपार्टमेंट जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये सारे लोग हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। फ्रांस में कोरोना स्ट्रेन का पहला केस ट्यूर्स शहर में मिला था। फ्रांस में इस समय 26 लाख से ज्यादा कोरोना के केस हैं, जबकि कोरोना से फ्रांस में 65,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत में अगले 7 से 8 दिन के बीच में वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई थी कि अप्रूवल के बाद 8 से 10 दिन में इसकी शुरुआत हो सकती है। 13 से 14 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को कोविन ऐप पर सेल्फ रजिस्टर नहीं करना होगा। सेना, पुलिस, सफाई कर्मियों को भी रजिस्टर नहीं करना होगा। जिसका वैक्सीनेशन होगा उसे यूनिक हेल्थ आईडी मिल जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए देश तैयार है। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 10 दिनों में टीकाकरण शुरू हो सकता है। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात को समझे तो 13 जनवरी या 14 जनवरी को टीकाकरण शुरू हो सकता है। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।